धर हो गेला की हां ई काटे के वाला नहीं है मुरो ब्रेड में लगाए के खा खाए खाओ हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल तो मैं हूं विजिल और मैं अभी जा रही जिम और जिम जाऊंगी एक्सरसाइज करूंगी अब फिर को हमको चलाने दे रहा है यार वो तो उधर वाला था तो ये मैं जिम पहुंच गई हूं ऊपर चौक और एक दिन में मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया है क्योंकि कल हाथ का डंबल डंबल उठाई थी अब पूरा दर्द हो रहा है आज फिर भी आई हूँ क्योंकि ये 3 से 4-5 दिन करूँगी तो ये ठीक हो जाएगा लाइट है नहीं वेट नहीं बढ़ता है लेकिन थोड़ा बढ़िया हो जाता है और क्या बोलते हैं सेब खराब हो जाता है अच्छा नहीं लगता सेब खराब होना से कपड़े भी आते हैं कपड़े परफेक्ट आना चाहिए कपड़े से बहुत प्यार है क्योंकि कपड़े बहुत मेहनत से जमा किए हैं तो वो सब चीज़ें वेस्ट नहीं जाना चाहिए सब चीज़ वेस्ट हो जाए वो चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए कपड़ा वेस्ट नहीं होना चाहिए सालों का मेहनत है उसमें मेरा आ गई हूँ घर और जब घर आई तो देखी ये बड़े पापा कुछ काम कर रहे थे क्या कर रहे थे वो मैं दिखाऊंगी आप लोग को चलिए कहाँ ले ईमान के कर ले कर ले उके हाँ धार हो गया लकी नहीं हुआ थे कहते हुई नहीं तो है हाँ ये काटे का वाला नहीं है वो मुरुक तेज कर दे ले की का काटबे तंबाकू काटबे कर से बाबा कर में काट ई थोड़ी ई धार नहीं हो यार मुरुक ई के रगड़ा थे जे रगड़ा थे बाबा ई आ परोटी खाए बेरानी उ का कहनु के सॉस मान जैम मान उमन होई नी उ के ऐसे होटक के ऐसन मुरुक ब्रेड में लगाए के खा खाए खाओ वैसन जुन तो ये तो के चाकू बना दे थे ओ क्या कर नी काटा से हुई का तक नी बड़े पापा को सुबह सुबह चाय बहुत जरूरी है ना बाबा चाय बड़का गिलास में तोड़ लगी नहीं हो ला तब हो जाए कि और चाय हो जाए चाय का कौन खाता है पीता जून है एमा जब से बड़ा बाबा आया ना घर का सांप चाकू धार है सांप चाकू धार है और जब हम लोग थे ना एक के चाकू के लूट पाट होते थे कि चाकू तुम लोग कहाँ रखते हो किचन में जहाँ चाकू रहता है वहाँ रखो ये लोग इधर उधर काटेगा जहाँ काटेगा वहीं छोड़ देगा और खोजते रहे एक चाकू और अभी इतना चाकू है ना जितना पुराना चाकू है ना सबको धार करके रख दिया है और जो नहीं करना है हाँ अभी कम से कम 5-6 है और जो नहीं करना है ना उसको भी धार कर दे रहा है घी लगा के दे बड़ा बाबा के तो ये घी घर का बना हुआ है और बड़े पापा को देना जरूरी है इसलिए हम लोग बड़े पापा को घी लगा कर चाय से खाई हाँ काहे कि उके तेल मसाला तो खाए कि ना खाओ तो का के खाना भूंजल के देमो हाँ और ई तोर चम्मच इकर में रख नहीं ले जा ऊ तोर भात हाँ लो कहाँ रखेंगे नीचे रख दे ये बड़ा बा कर ले ठंडा में जान लगा थे बड़ा बा तो गाइस मैं जा रही हूँ गोलगप्पा लाने ये रोड में मिलता है मतलब रोड में एक ठेला लगाते हैं एक भैया उनके यहाँ जाऊँगी और गोलगप्पा लेके आऊँगी और घर में मेरी एक मौसी है जो कि मतलब रेंट में जो कि मतलब
नया नया बाबू मैया लगाने वाला है, बहुत ही खुशी का बात है। और खाने का मन करता होगा कुछ कुछ नया नया चीज़, तो उनको खिलाएंगे। और बाहर बहुत लड़के लोग हैं इसलिए बाहर नहीं जाएंगे, उनको पार होने देते हैं फिर जाएंगे। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पीछे एक भट्टी भी है, हड़िया भट्टी। प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा दिक्कत है। लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं, सबका पेट है, सब पेट पालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जैसा है सब चल रहा है, बस सब अच्छा से चले। तभी जा रहे हैं, देखते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है यहाँ भट्टी जगह, फिर भी जा रहे हैं गोलगप्पा लाने, क्योंकि नानी लोग को खिलाना है, मौसी को भी खिलाना है, कभी कुछ ला के नहीं दी हूँ। तो सोची जा रही हूँ तो उनको पूछ लूँ, खाएंगी तो मैं लेके आऊँगी, बोली खाऊँगी। जा रही हूँ, लेके आते हैं थोड़ा गोलगप्पा। तो मैं गोलगप्पा लेके आई हूँ। मौसी, जानते हैं हम लाइफ में पहली बार गोलगप्पा लेके आ रहे हैं, पहली बार। मतलब आज तक हम घर मतलब ना ऐसे नहीं लाए हैं, हम हमेशा खा के आओ। हाँ, वहाँ खड़े होकर खाने का अलग मजा है ना, इसलिए। आलू तो इतना थोड़ा सा दिया है। तो अभी मैं अपना बेडरूम सही करूँगी क्योंकि बहुत कचरा हो रखा है और समय नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ। ये देखो मेरा कचरा बेड, ये मेरा फेवरेट बेडशीट है, बहुत पसंद है, ऑनलाइन लिया था। तो अभी ये बेडशीट बिछेगा। हॉस्टल में दी थी ये, आज तक मेरे साथ है ये, जो कि हमेशा यहाँ रहता है। और ये भी मेरे को एक फ्रेंड ने दिया था, ये भी मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, इस पे आई लव यू लिखा होता, जो कि उछड़ गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे होता है मेरा, यहाँ ये नानी का कंबल, और ये मेरा कंबल जो नानी मेरे को मांगती है क्योंकि उनको बहुत पसंद है कंबल। आज मैं बहुत अच्छा से सोऊंगी क्योंकि बेड खाली है, और दिन एकदम कोकोरम वो होकर एकदम कुछ मचा के सोना होता है, इतना सामान होता है बेड पे। तो बस इतना ही है। और हाँ, बाइबल छूट गया है, बाइबल को रखती हूँ यहाँ बिस्तर सिराने में, ये भी होता है मेरे सिराने पे। बस हो गया इतना ही। अब थोड़ा सा इसको समेटना है, इसको जो कि बहुत ही कचरा से भरा हुआ है, इसको भी सरियाते हैं। हे गाइस, तो मैं अभी बड़े पापा बड़ी मम्मी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, ये देखो। और मेरा आपको आज एक दुर्घटना होने से बच गया, ये जो है ना, यहाँ से थोड़ा थोड़ा गैस लीक हो रहा है, और इस आग से यहाँ पे इधर से निकल रहा था होगा ऐसे गैस, और इधर से आग ऐसे एकदम पकड़ लिया था। और मेरे को एक तुरंत एक घटना याद आ गया, वो था जब हम लोग रेंट पे थे, इस घर से पहले वाले रेंट घर पे, तो वहाँ पे मेरी मम्मी खाना पका रही थी। तो खाना पका रही थी ना, तो वो जो पाइप है ना, वो पूरा खुल गया, ठीक है, खुल गया, और गैस एकदम ऐसे ऐसे पूरा एकदम ऐसे फेंक रहा है गैस, और जो चूल्हा जहाँ जल रहा था वो तो जल ही रहा था, तो उधर ही फेंक रहा है, और एकदम हद हद जल रहा था। तो मेरी मम्मी का ये भी हो गया था ना कि बाल जो आगे कैसे होते हैं जल रहा था, ठीक है, मेरी मम्मी ऐसे डर गई ना, और क्या करे क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। तुरंत एकदम सडन ही ऐसा हुआ, आग लगा, अब मैं खड़ी ही थी वहाँ पे, तुरंत ऐसा आग लगा और तुरंत मम्मी का बाल जला, सन एकदम सन 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 जो हुआ सब तुरंत हुआ, जला बाल तुरंत, तुरंत मम्मी ऊपर सिलेंडर ऑफ कर दी। तो मेरे को वो चीज़ याद था, तो क्या हुआ कि मैं भी वही काम की, जैसे ही जलाना खुद करके एकदम वहाँ पर ध्यान आया, वो वाला घटना याद आया, तुरंत ऑफ कर दी। देखो मेरे लाइफ में सारा चीज़ घट चुका है घटना, तो वो सब तुरंत तुरंत रिमाइंड हो जाता है कि हाँ अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो बोलना ये चाह रही हूँ कि हाउसवाइफ जो लोग हैं, या जो भी हाउसवाइफ क्या, हर कोई घर पर काम करते हैं, ठीक है,
तो ऐसा किसी के साथ घटना होता है तो इधर उधर कुछ नहीं सोचना, सीधा सिलेंडर को ऑफ करना का, ठीक है। इतना हद तक बढ़ने मत दो डर से कि आग बढ़ गया उसके क्या करे क्या करे, ऐसे नहीं। कुछ भी होता है थोड़ा बहुत तो जलेगा, ठीक है, लेकिन बाकी लोग तो सेफ रहेंगे ना, अपना ही कुछ नुकसान कर लो और बाकियों को सेफ रखो, तो तुरंत सिलेंडर ऑफ करना है, ठीक है। और अभी फटाफट दूध देते हैं सब लोग को घर में, तब तक मेरा रोटी भी बन जाएगा तो उनको खाना भी दे दूँगी। और ये भी कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि सिलेंडर से ऐसे गैस लीक हो रहा है और आग लग गया हो। ऐसा मेरी मम्मी के साथ तो हुआ था, ये चीज़ मैं देख चुकी हूँ वो चीज़। सबसे बढ़िया चीज़ आज क्या हुआ पता है, मैं गोलगप्पा लाई थी सबके लिए, ठीक है, 50-80 रुपये का पूरा गोलगप्पा ले गई, सबको खिलाई उलाई, सब कुछ की, कैमरा सेट की, आगे लाइट लगाई, पता चला कैमरा ऑन ही नहीं था। इतना ख़राब दिन, इतना ख़राब, मैं क्या बताऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोलगप्पा खिलाने का दिखाएंगे आप लोग को, लेकिन आज जितना मज़ा वीडियो बनता शायद कल नहीं होगा। अरे पापा, बड़े पापा के आगे कैमरा था तो हम बड़े पापा को बोले बड़े पापा जोहार कर दो, बड़े पापा बोले को तो आ रही आई वो कोई बोंगा के जोहार आई, ऐसे बोल रहे हैं, मतलब किसको जोहार करेंगे, कोई तो आई नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ। और इसमें जो है हॉर्लिक्स मिला हुआ होता है, सिंपल दूध नहीं है। मालिश हो रहा है बड़ाबा, अरे दूध पी ले बे। हाँ तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ घर वालों का ख्याल रखती हूँ, मैं खुद का भी ध्यान रखती हूँ। देखो हॉर्लिक्स दूध पी रही हूँ, ठीक है, अगर हम इसलिए मैं पी के नहीं दिखाऊँगी तो मेरा मुँह हमेशा जल जाता है, तो जो कि सजा हो जाता है। मैं 1 सप्ताह के लिए रेस्ट करती हूँ, लेकिन मेरा रेस्ट करना नहीं करना बराबर है, दिन भर बिस्तर पर रहती हूँ लेकिन मेरा मोबाइल चलते रहता है, क्योंकि रात को जल्दी सोना सुबह जल्दी उठना, तो रात तक एडिटिंग भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं दिन में मतलब लगे रहती हूँ एडिटिंग करती हूँ। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट हाफ में वीडियो एडिटिंग करती हूँ 11-12 बज जाता है, फिर शाम में डालती हूँ, जबकि मेरा टाइमिंग होना चाहिए पहले 8-9 तक डाल देना है, लेकिन देखते हैं, कोशिश कर ही रहे हैं और मेहनत करेंगे, और आप लोग के लिए करती हूँ कि आप लोग को मेरा डेली का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। मेहनत करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, खासकर एक्सरसाइज आप लोग करो, कोई मैटर नहीं करता आप मोटे हो पतले हो, एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप जितना एक्सरसाइज करोगे आपके शरीर में उतना कम बीमारी होगा। आप स्टार्ट करके देखोगे ना, आपको खुद में अच्छा महसूस होगा, शरीर हल्का लगेगा, मोटे भी हो तो हल्का लगेगा, फ्री लगेगा, हाथ पैर अच्छा फेंकाएगा, अच्छा चलोगे, अच्छा मतलब फ्री लगेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो हर किसी को एक्सरसाइज करना चाहिए। अब मैं ऐसा होता है कि मैं छोड़ती हूँ फिर करती हूँ, छोड़ती हूँ करती हूँ, मेरा शरीर ऐसा है कि छोड़ दूँगी फिर भी मेरा उतना फिट गेन नहीं होता, मैनेज हो जाता है मेरा, ठीक है। तो आप लोग भी किया करो। तो खाना खा ली हूँ और अभी आराम करने का समय है, और आप लोग भी अपने आप को थोड़ा सा सावधानी से पकाइएगा चुकाइएगा, कुछ भी कीजिएगा तो आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, तो आप लोग भी अपने बुज़ुर्गों का ऐसे ही आदर सम्मान रखिए कीजिए, खासकर अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए आप लोग, उनको आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग बूढ़े होते हैं, होते जाते हैं वैसे वो बच्चे बनते जाते हैं, तो आप लोगों का उनको मदद चाहिए है, और आप लोग उनके साथ खड़े रहिए हमेशा। और जो गोलगप्पा वाला जो वीडियो था हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में तो हुआ नहीं। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्यार बनाए रखिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। अभी के लिए टाटा बाय बाय।